भागलपुर के जीरो माइल स्थित रेशम भवन में जीविका द्वारा आज रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयोजित इस रोजगार मेला का विधिवत शुभारंभ भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन जीविका की युवा पेशेवर दीपशिखा ने की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जीविका के माध्यम से युवा केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। आज जीविका में इतनी क्षमता है कि वह लोगों को रोजगार सृजनकर्ता के रूप में तैयार कर सकती है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि यहां जो कंपनियां युवाओं के चयन के लिए आई हैं, वह यह भी बताएं कि उन्हें किस प्रकार के हुनरमंद युवाओं की आवश्यकता है, जिससे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार किया जा सके। जिलाधिकारी महोदय ने रोजगार मेले में भाग ले रही कंपनियों के स्टॉल का अवलोकन करते हुए उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के बारे में जानकारियां प्राप्त की। जीविका के रोजगार मेले में नवभारत फर्टिलाइजर लिमिटेड, हॉप केयर, भारतीय जीवन बीमा निगम, सिंडिकेट इंडिया, क्रेसिस क्रॉप, इंफोश, क्वेस, उत्कर्ष बैंक, मनो आशा फाउंडेशन और जोमेटो ने अपने अपने स्टॉल लगाए। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में संगठित क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें 9 से 35 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन के साथ पीएफ जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। इस अवसर पर भागलपुर के अपर समाहर्ता, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका दीदियां और युवक युवतियां मौजूद थे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट अजगैवीनाथ गंगा घाट मुक्तिधाम का डीएम नवल किशोर चौधरी ने सोमवार की शाम निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नमामि गंगे घाट मुक्तिधाम एवं अजगैवीनाथ धाम का जायजा लेते हुए डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अजगैवीनाथ धाम एक धार्मिक स्थल है। यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा होने के कारण श्रावण महीने में देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों शिव भक्त पहुँचते हैं, जिसको देखते हुए इस धार्मिक स्थान का विकास सुनिश्चित करने को लेकर आज निरीक्षण कर जायजा लिया गया और यहाँ के लोगों का जो भी सुझाव होगा उसका प्रपोजल सभी विभागों को भेजा जाएगा ताकि इस स्थल को और भी अच्छी तरीके से बेहतर बनाया जा सके। और श्रावणी मेला को लेकर उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में यहाँ काफी भक्तों की भीड़ होती है, लोग पैदल आते हैं और डंडी में भी आते हैं। उनको लेकर श्रद्धालुओं को लोग यहाँ बाबा को जल चढ़ाने के लिए पैदल आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस दिशा में भी पहल करने की बात डीएम ने कही। मौके पर एसडीएम धनंजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, भाजपा नेता नवीन कुमार बन्नी सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सुल्तानगंज एक काफ़ी धार्मिक स्थल है जहाँ जहाँ पे लोग भोले बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए और जलार्पण के लिए जल ध्यान करते हैं और जल लेते हैं। यहाँ से इस स्थान का विकास और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, इसी के बाबत हम लोगों ने निरीक्षण किया है और देखते हैं कि लोगों का जो सुझाव होगा उस आलोक में फिर प्रपोजल बना करके हम लोग विभिन्न विभागों को भेजेंगे ताकि इस स्थल को और भी। श्रावणी मेला को लेकर सर क्या विजन तैयार किया जा रहा है? श्रावणी मेला में लाखों की संख्या में भीड़ होती है, काफ़ी संख्या में लोग पैदल आते हैं, दांडी भी करते हैं। उसको लेकर के हम देखें कि श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा नहीं है, इसी वजह से किस रूट को हम लोग डेवलप करें, कितना प्लेस डेवलप करें, यदि कहीं कोई प्लेस एक्वायर करने की ज़रूरत है, किसी को लीज करने की ज़रूरत है और घाट विकसित करने की जरूरत है या और सड़क को मजबूत करने की जरूरत है, इसी संबंध में हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जो कांवरिया जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से सब वाहन भी आते हैं, जिससे कि आस्था पर सर एक सवालिया निशान खड़ा था, उसको लेकर के सर रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए? अभी हम लोग विचार कर रहे हैं और जो यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं विभिन्न दलों के, उनसे भी हम बात करेंगे, साथ ही नगर परिषद के भी दिल्ली से बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। सर, नमामि गंगे घाट का विस्तार होगा, उस बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। मुक्ति धाम के लिए मुक्ति धाम को भी यदि शिफ्ट करने की ज़रूरत हुई तो लोगों के सहमति से हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे ताकि घाट का विस्तार कर सकें। भागलपुर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना से बचाव एवं यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर एक सकारात्मक पहल की है। इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी ने समाहरणालय मुख्य द्वार के समीप पटेल चौक चौराहे पर अभियान चलाकर दर्जनों बाइक चालकों को रोका
और यातायात नियमों का पालन करने के लिए उन्हें जागरूक किया। साथ ही डीएसपी ने सभी से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट लगाने की बात कही। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि लोग फाइन एवं कानून के डर से हेलमेट लगाने की बजाय अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हेलमेट लगाएं। इससे उनकी खुद के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी विशेष परिस्थिति में सड़क दुर्घटना का शिकार होने पर जान जाने की संभावना को भी टाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बाइक चालक और पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है, क्योंकि जब भी सड़क दुर्घटना होती है तो दोनों सवार को समान रूप से जान का खतरा रहता है और देखा भी जाता है कि अक्सर हेलमेट नहीं लगाने वाले ही अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे न सिर्फ उनका नुकसान होता है बल्कि उनके परिवार और उन पर निर्भर लोगों को भी बड़ी क्षति होती है। साथ ही डीएसपी ने कहा कि कानून का काम है कि नियमों की जानकारी देकर उसका पालन कराया जाए, लेकिन आम लोगों और युवाओं को अपने जान की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए खुद जागरूक होना होगा। चला रहा है बाइक पर दोनों हेलमेट, डबल आदमी बैठना है और दोनों हेलमेट जरूरी है, दोनों के लिए फाइन का उतना ही है। यहाँ पे जब मशीन से फाइन होने लगा ऑटोमेटिक तो मैक्सिमम लोग बाइक चलाने वाले हेलमेट पहनने लगे, लेकिन इतना अनाउंस के बाद, इतना जागरूकता फैलाने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि पीछे की सवारी हेलमेट नहीं लगाते। इस बात को देखते हुए हम लोग चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी 500-600 आदमी का फाइन होता था बिना हेलमेट का, जो चालक चलाते थे। अब पिलियन, जिसको पिलियन कहते हैं, पीछे जो बैठने वाले हैं उनको हेलमेट पहनना है। ऐसे समझिए कि बाइक जो लिए हैं उनको दो हेलमेट साथ रखना है, चाहे उनके साथ कोई बैठे या ना बैठे। जब बैठे तो उसको हेलमेट पहना दें और नहीं पहने तो हेलमेट टंगा रहेगा, ये होना चाहिए। लेकिन लोग समझते नहीं है, ये चिंता का विषय है। प्रत्येक साल भारत की जो आबादी है उसमें 1,70,000 के करीब आंकड़ा है, 1,68,000-70,000 के लगभग केवल एक्सीडेंटल डेथ है, और उस फैटलिटी में मैक्सिमम युवा है और बाइकर्स है, और वो बाइकर्स है जो हेलमेट नहीं पहनता है। मेरा सर में हेड ऐसा चीज है कि उसमें थोड़ा सा हुआ और फैटलिटी की संभावना बढ़ जाती है, मैंने मृत्यु का दर। अगर हेलमेट लगाए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जान के बचाने में हम लोग शायद सहयोग कर सकेंगे। या अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सात सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य पशु मैत्री संघ भागलपुर के द्वारा जिला पशुपालन कार्यालय भागलपुर में मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। वहीं टीकाकर्मी एवं मैत्रियों ने बताया कि हम सभी सदस्य पिछले कई वर्षों से पशुपालन के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य जैसे टैगिंग, पशु गणना एवं टीकाकरण ईमानदारी पूर्वक करते हैं, फिर भी पशुपालन विभाग एवं सरकार के द्वारा हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। सही वक्त आने पर उन्हें मेहनताना भी नहीं मिलता और सभी वैक्सीनेटर एवं मैत्रियों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। इस दौरान धरना में शामिल लोगों ने कहा कि यदि उनकी सात सूत्री मांगों को सरकार जल्द पूरा नहीं करती है तो वे सभी कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। हड़ताल में मनोज कुमार, लाल मंडल, संजीव कुमार, रंजन कुमार सहित जिला के मैत्री कर्मी एवं वैक्सीनेटर मौजूद। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना एवं बिहार सरकार की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया। 18 फरवरी तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय खादी मेला में खादी ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट,
कई तरह के आचार, लकड़ी से निर्मित सामग्री, रंग बिरंगी कालीन समेत देश के अलग अलग हिस्सों के कलाकारों द्वारा निर्मित सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मेला में खाने की सामग्रियों के साथ कई तरह के पकवान के स्टॉल और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी उपलब्ध थे। देश के अलग अलग राज्यों की कला की झलक यहाँ देखने को एक ही जगह पर मिल रही है, जहाँ पहुँचने वाले लोग मेला का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पहले यह मेला 10 दिनों के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 13 दिन कर दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं उद्योग के अन्य योजनाओं के तहत जुड़े लाभार्थियों के लिए यह उद्यमी मेला बाजार उपलब्ध कराने के साथ लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का मुख्य माध्यम बन रहा है। मेला का मुख्य उद्देश्य ग्रामोद्योग के उत्पादों का प्रचार प्रसार करना और उनके उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे हर जगह के लोगों को इसकी जानकारी मिलने के साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल सके। बता दें कि यह मेला पूरे दिन के साथ रात्रि के 9 बजे तक खुला रहता है। यहां लोग सुविधा के अनुसार पहुंचकर अपने पसंद या जरूरत के सामानों की खरीदारी कर मेला का आनंद ले सकते हैं। भागलपुर के मुंदीचक में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक पुराना मकान अचानक से जमींदोज हो गया। लोगों को कई आशंकाएं उस वक्त घेरने लगी कि आखिर यह मकान अचानक से क्यों धाराशाही हुआ। मामला भागलपुर के मुंदीचक वैष्णो दरबार के समीप की है, जहां पुरानी मकान अचानक गिर जाने से लोगों में हड़कंप का माहौल हो गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, फिलहाल माहौल शांत है। वहीं बताया जा रहा है कि यह मकान किशोरी साह का है, जो काफी पुराना है। बता दें कि घटना में 2 बच्चे बाल बाल बच गए।